लखीमपुर खीरी में हिंसा में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगलवार को आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी 8 लोगों की मौत चोट लगने, घसीटने, खून के ज्यादा बह जाने और ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है। इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगी है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि किसानों की मौत सदमे, अत्यधिक खून बहने और ब्रेन हैमरेज के कारण हुई। इनमें गोली के कोई निशान नहीं मिले हैं। मृत किसानों की पहचान छत्र सिंह, दलजीत सिंह, लवप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 वर्षीय के किसान लवप्रीत सिंह की मौत घसीटने, ब्रेन हैमरेज और अत्यधिक खून बह जाने से हुई। रिपोर्ट के अनुसार गुरविंदर सिंह के शरीर पर किसी नुकीली चीज से चोट लगी है। उनकी मौत भी सदमे और खून बह जाने के कारण हुई थी। वहीं दलजीत सिंह की मौत घसीटने के कारण हुई है। उनके शरीर पर चोट के अन्य निशान भी थे, जबकि छत्र सिंह की मौत शॉक, ब्रेन हैमरेज और कोमा के कारण हुई है। इस हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी जान गई है, जिसमें सुबह मिश्रा के शरीर पर कई चोटें मिली हैं। हरिओम मिश्रा की मौत लाठी से पीटने से हुई है। उनके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। मौत का एक कारण ब्रेन हैमरेज भी बताया जा रहा है। श्याम सुंदर निषाद की भी लाठी डंडे से पीटने और घसीटने से मौत हुई है। स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप के शरीर पर भी कई चोट के निशान मिले हैं। उनकी मौत भी शॉक और ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है। बता दें, यूपी के लखीमपुरी में तब हिंसा भड़क उठी जब कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी के ने प्रदर्शन के रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद जो हिंसा भड़की उसमें 8 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। किसान संगठन इस घटना के लिए आशीष मिश्रा को दोषी ठहरा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं हिंसा के बाद सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 45-45 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की बात भी कही है।